સભ્યો પાસેથી પહેલા તો આપકા નામ બતાવો. મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ અલી. ઇબ્રાહિમ ભાઈ, કોણ સી જગ્યા છે, કઈ જગ્યા છે, કેમ? યે જંગલ સે બાબા કી દરગાહ હૈ, ઇમદાયત મીઠી ખાડી કે અંદર. ક્યા વિતરણ કર રહે હો? યહાં હમ કિતને ટાઈમ સે વિતરણ કર રહે હો? જબ સે સમજો લોકડાઉન ચાલુ હુઆ હૈ, તબ સે યહાં પર અનાજ બના કર ખિલાને કા કામ ચાલુ. રમઝાન મે કિતને લોગો કો અભી તક ખિલાયા? યહાં પર રોજ બનતા હૈ 1200 સે 1500 કે આસપાસ, ઓર અભી થોડા બઢ ગયા, અભી કરીબ 2000 કે આસપાસ બન રહા હૈ. स्टार्ट हम लोगों ने 5 किलो से स्टार्ट किया था. ये मदद कहाँ से आ रही है आपको? ये मदद तो समझो आप जंगल से हवा की तरफ से ही आ रही है. क्या मैसेज देना चाहोगे? बस सरकार से हम तो यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे. और पब्लिक से मेरी ये है कि आप ईद की ख़रीदारी करने के लिए ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि गरीब के पास आज खाने को पैसा नहीं है तो कपड़े कहाँ से, ईद कहाँ से मनाएगी? का नाम? मेरा नाम मुजफ्फर अली उर्फ टीपू मिर्जा. कौन सा एरिया है, कौन सी जगह है? ये सैयद अब्दुल्ला शाह लालू शाह उर्फ जंगल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है. और जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ लगातार लंगर चालू है. लंगर में क्या क्या बटता है? लंगर के अंदर कभी पुलाव है, कभी दाल चावल है, कभी कभी कड़ी खिचड़ी है. आज हम लोगों ने एक नान और तरकारी का प्रोग्राम रखा है जिसमें दूध वगैरह सब हम लोग वितरण करते हैं यहाँ पर. सरकार की तरफ से क्या क्या आपको मदद मिली अभी सरकार तक? सरकार की तरफ से अभी तक हमको कोई मदद नहीं मिली है. जो भी सरकार के चाहने वाले है वो सब जिसको जो देना है वो यहाँ पर ला करके दे रहे हैं. गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ आपने कोई अप्लाई किया था? गवर्नमेंट नहीं, नहीं कोई अप्लाई भी नहीं किया. और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारे को कोई मदद, ये मदद आ कहाँ से रही है आपको? ये मदद सरकार के जो भी चाहने वाले है सब मदद कर रहे हैं. कोरोना वायरस के लिए क्या मैसेज दो? कोरोना वायरस के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस बना के रखे और जहाँ तक हो लोगों की मदद करते रहे. ईद की खरीदारी मेहरबानी करके मैं अपील करता हूँ कि ईद की खरीदारी करने के लिए कोई भी ना जाए. सरकार को आप ईद के दिन कुछ अपील करना चाहोगे कि जो मस्जिद खोले या लास्ट जुम्मा है इसके लिए? नहीं, सरकार की जब अगर हम पूरी आवाम के साथ में है, अगर सरकार के साथ में हम सपोर्ट करेंगे, अगर सरकार चाहे अगर मस्जिद खोलने का अगर सरकार ऑर्डर देती है तो हम खोलेंगे, अगर सरकार हमको ऑर्डर नहीं देती है तो हम नहीं खोलेंगे.